हेलो दोस्तों एक बार फिर से सरफराज टेकवेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है सरफराज दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सिंपल क्लिक से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं यह दोस्तों बहुत ही आसान है आप सिर्फ एक क्लिक करके बिना फोटोशॉप का यूज किए हुए एक क्लिक में आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ये एक फोटो है मेरे पास आप देख सकते हो ये एक इमेज है मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर लेता हूँ अब इस इमेज को आप देख रहे हो इस इमेज में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर हम जाके इन फोटो का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को अपन हटा सकते हैं और आप चाहो तो वहीं से ही कोई दूसरा बैकग्राउंड भी इसमें आप लगा सकते हो आप चाहो तो इसका जो बैकग्राउंड है इसको आप ब्लर भी कर सकते हो तो कैसे ये सब कुछ होता है चलिए देख तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चले जाना है और यहां पर आपको एक वेबसाइट में आना है जिसका नाम है रिमूव डॉट बी जी इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आप वहां से जाके भी इसको लॉग इन कर सकते हो अब आपको यहां पर जाना है रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं इसके बाद में यहां पर आप अपने फाइल को ड्रैग करके भी ला सकते हो या फिर ये जो अपलोड इमेज लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करके भी अपने फाइल को लोकेट कर सकते हो तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं मेरा फाइल डेस्कटॉप में रखा हुआ है और डेस्कटॉप में जिस नाम से रखा हुआ है वो मैं सर्च कर लेता हूं ये वो फाइल है आप देख सकते हो ये इमेज है मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको इसको शो कर देता हूं तो देखो ये वो फाइल है अब इस इमेज में आप देखो बैकग्राउंड में आपको ग्रीनरी दिख रहा होगा पीछे पानी है पत्थर है ये सब कुछ है ये सारा का सारा बैकग्राउंड में आप रिमूव करने वाला हूँ तो इसको जस्ट फोटो को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ओपन में क्लिक कर दूंगा ओपन में क्लिक करते ही सिर्फ कुछ सेकेंड में आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने देर में ये सब कुछ रिमूव कर देगा सिर्फ कुछ सेकंड में ही ये आपके देख सकते हो आप बैकग्राउंड को पूरा रिमूव कर चुका है ये इसका आप ओरिजिनल फोटो देखो ये ओरिजिनल था और यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करके ये इस तरीके से दिख रहा है अगर आपको ये फोटो इसी तरीके से चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर एक आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा अगर आप इस फोटो को एच में भी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एच में डाउनलोड तो कर सकते हो नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है डाउनलोड एच लेकिन इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा इसके बाद अगर इस फोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या फिर ब्लर करना चाहते हो आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड था वो एज इट इज रहे लेकिन ब्लर हो जाए तो वो भी आप यहां से कर सकते हो इसके लिए आपको यहां पर जो एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ऊपर में ब्लर लिखा हुआ है अब ब्लर जहां लिखा हुआ है उसके पीछे आपका वही बैकग्राउंड है जो पहले आपके ओरिजिनल इमेज में था तो मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये आप देख सकते हो यह आपका ओरिजिनल इमेज आ चुका है उसका वाला जो जो ऑप्शन है 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 अगर आप आप पर क्लिक करते हो 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 देख सकते आपका बैकग्राउंड वो हल्का सा ब्लर चुका है। तीसरा जो ऑप्शन है वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड और ज्यादा ब्लर हो जाएगा और एक और ऑप्शन है अगर यहां पर आप क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर हो रहा है आपको ये दिख भी नहीं रहा है कि पीछे में क्या था अब अगर आप इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में है इसमें से कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हो सपोज अगर मैं ये बैकग्राउंड चूज करूँ तो आप देखो यहाँ पर यह बैकग्राउंड आ चुका है अब ये जो है आपको एकदम ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर में सेटिंग किया है इस ब्लर का यहाँ पर आप ये तीसरा ये चौथा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैंने अगर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूं तो ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सेकेंड करूंगा तो ये इस तरीके से दिखेगा और तीसरा मैं सेल करूंगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर से आप कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो किसी भी बैकग्राउंड में आप अपना इमेज को डाउनलोड बनाकर डाउनलोड कर सकते हो सपोज अगर देखो ये एक बैकग्राउंड दिख रहा है ये काफी अच्छा लग रहा है इस बैकग्राउंड में और इसको अगर मैं हल्का सा ब्लर कर दूं तो आप देखो ये फोटो बहुत जबरदस्त लग रहा है ठीक है आप ब्लर नहीं भी करना चाहो तो ये इस इमेज के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है अब अगर यहाँ पर से आप कुछ इरेज करना चाहो कोई ऐसा चीज है जो यहाँ पर आपको इरेज करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो आप यहाँ पर देखो इरेज और रिस्टोर का ऑप्शन लिखा हुआ है इरेज में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर ब्रश साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो ब्रश साइज सेलेक्ट करने के बाद में जो भी फाइल आपको यहाँ से इरेज करना है डिलीट करना है वहां से आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से आपको जूम कर सकते हो इसको ठीक है आप जूम करके बारीकी से उसको यहाँ से इरेज भी कर सकते हो तो ये इसका ओरिजिनल साइज है और इस ओरिजिनल साइज में इसी बैकग्राउंड के साथ अब अगर मैं फोटो को डाउनलोड करना चाहता हूं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस डाउनलोड के बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस डाउनलोड का एक और ऑप्शन आ गया यहाँ यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूँ अब आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर मेरा फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया डाउनलोड भी हो चुका और ये पी फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है और पी फाइल को जीपी जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है वो भी आप एक क्लिक में सिंगल क्लिक में कर सकते हैं बिना फोटोशॉप का यूज किए हुए अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप उसको जरूर देख लीजिएगा इस फाइल को मैं फिलहाल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ देखिए ये वो फाइल है जो अभी हमने क्रिएट किया है और जो हम लोग का ओरिजिनल फाइल था वो भी एक बार मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ तो देखो ये वो फाइल है जो पहले था ठीक है तो अब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में दोनों के दोनों वो फोटो आ चुके हैं ये पहले वाला है जिसका बैकग्राउंड आप देख सकते हो किस तरीके का है और ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने चेंज कर लिया है सिर्फ सिंगल क्लिक पे बिना किसी टाइम लगाए हुए अगर आप यही काम फोटोशॉप में करते हो तो आपको कम से कम पंद्रह बीस मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लग सकता है दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में भी जरूर क्लिक कीजिएगा